नमस्ते, मेरा नाम मनीरा है। चुनावी चर्चा में आप सबका स्वागत है। हम आज पश्चिम यूपी के शामली ज़िले में हैं, कंडला कस्बे में। 2013 में जैसे कि सब जानते होंगे, मुजफ्फरनगर और शामली ज़िले में जो दंगे हुए थे, महिलाओं पर बहुत शोषण हुआ था इन दंगों पे। हर तरह की बातें हो रही है, जात बिरादरी की बात हो रही है, समीकरण की बातें हो रही हैं और गठबंधनों की बातें हो रही हैं, लेकिन हर बार की तरह कहीं ना कहीं महिलाओं के मुद्दों की बातें नहीं उठाई जा रही हैं। आज हम यहाँ पे पश्चिम यूपी के बहुत सारे ज़िलों से आई हुई महिलाओं के साथ हैं, जो अलग अलग समुदाय से हैं और जो बहुत सारे सामाजिक संगठनों के साथ भी जुड़ी हुई हैं। तो आज हम इन सबसे महिलाओं के मुद्दों के बारे में बात करेंगे और इस चुनाव में उनके लिए क्या ज़रूरी है, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बात शुरू करेंगे कि जो चुनाव आने वाले हैं, उसमें जो अलग अलग उम्मीदवार हैं, अलग अलग पार्टीज जो हैं, पिछले कुछ महीनों में क्या आप लोगों ने कुछ भी नोटिस किया है कि किसी भी एक पार्टी के किसी भी एक उम्मीदवार ने, चाहे वो किसी ज़िले का उम्मीदवार हो या किसी या फिर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो, उन्होंने महिलाओं के मुद्दों के बारे में कुछ बात उठाई है? कोई भी शुरू कर सकता है, उठाई हो या ना उठाई हो। कोई बहुत ऐसी ठोस योजना या कोई परियोजना या कोई मुद्दा ऐसा हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है जो महिलाओं के लिए आए। और ख़ास तौर पे हम तो ये कहते हैं, महिलाओं को अगर कुछ भी ना मिले, उसकी सुरक्षा और उसकी शिक्षा और उसके सम्मान, शिक्षा सुरक्षा और सम्मान पे भी अगर लोग बात करते, मतलब इसमें हम उनसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। हमने 3 सवाल उठाए, शिक्षा सुरक्षा और सम्मान, अगर इस पर भी बात होती तो हम उन पार्टी के लोगों को मानते कि वो महिलाओं के प्रति संवेदनशील हैं। और अब ऐसा लगता है देख के कि महिलाओं के प्रति कोई भी नेता संवेदनशील नहीं है। अब थोड़ी बहुत उम्मीद बचती है तो किसी महिला नेता से। आपके हिसाब से क्या मुद्दे ज़रूरी हैं महिलाओं के लिए, जिनकी बात होनी चाहिए, जिनके बारे में कुछ होना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जैसे सरकारी योजना, ये जो सरकारी अस्पताल में महिलाओं के लिए जन्य सुरक्षा की योजना जो आती है, वो भी हमारी जो जमीन स्तर से जो हमारी महिलाएं जो दंगा हो गया था, दंगे के दौरान वे घरों से बाहर निकल के आगे कॉलोनी में बस की, वे बेचारी आज तक टीकाकरण, हमारे जो फील्ड में 10 महिला ऐसी थी कि उनका ना कोई टीकाकरण हो रहा, ना कोई उन्हें दवाई मिल पा रही, ना कुछ। और सबसे बड़ी बात, उनकी जो डिलीवरी हो रही वो भी एक दो बच्चा हो रहा और ना कुछ मिलने पे भी बच्चा मर गया। ऐसा ऐसा उनके साथ आज भी ऐसा हो रहा कि कोई सरकार या कोई भी या सरकारी विभाग से कोई भी लोग उन्हें जाके ये भी नहीं देखते कि क्या हो रहा है क्या नहीं, उनकी तरफ तो कोई भी उन पर जाके गौर नहीं देता। ऐसा उनके साथ ये होता है। नहीं है, ये हर महिला के साथ है, हर गांव में है, हर कस्बे में है, हर शहर में है। ये उन औरतों की बात नहीं है कि जो मतलब गांव से या उससे बाहर निकल के अलग मतलब उन्होंने मतलब अपना वो ग्रुप बना लिया, उससे नहीं है, ये सबके साथ है। जो मतलब महिला होती है वो ये देखिए कि अभी हम सरकारी अस्पताल में चले गए, इन्होंने डिलीवरी की बात की है, डिलीवरी मतलब जाते ही जिसकी अप्रोच है उसके साथ सही व्यवहार है और जिसकी अप्रोच नहीं है उसको दवाई तक मतलब वो नहीं है, चाहे इसमें हम है या वे। ये जरूरी नहीं है कि उनके पास भी दवाई पहुंच रही, दवाई किसी के पास भी नहीं पहुंच रही। पहली बात तो अस्पतालों में हमें मतलब ये जो डॉक्टर होते यही नहीं मिलते, तो दवाई कहाँ से मिलेगी। जननी सुरक्षा और महिलाओं की जो सुरक्षा की बात है, उसके अलावा और क्या मुद्दे हैं? और भी है, जैसे गांव में उपकेंद्र बनाए हुए हैं सभी जगह, लेकिन उन उपकेंद्रों में क्या हो रहा है कि सिर्फ गोबर पाथा हुआ है वहाँ पे, ना वहाँ कोई एनम है, ना वहाँ कोई संसाधन है। जैसे मान लिया कहते हैं बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी दिखावे के लिए कि ये उपकेंद्र है सिर्फ, लेकिन उस उपकेंद्र में कुछ तो होना चाहिए ना। मान लिया कि जैसे एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस बुला लो, लेकिन वो एम्बुलेंस वहाँ तक तब तक नहीं पहुँचता कि इतने तो महिला की मृत्यु भी हो जाती है या डिलीवरी भी वहीं पे हो जाती है। बहुत सारी जगह हमने देखा है कि महिलाओं को लेके जैसा जा रहे हैं, किसी तांगे में जा रहे हैं या किसी रेड़े में लेके जाए तो रास्ते में उनकी डिलीवरी हो जाती है, तो ऐसे एम्बुलेंस का क्या फ़ायदा। या जो उपकेंद्र बनाए उन्हें सक्रिय तो होना चाहिए, वहाँ एनम होनी चाहिए, वहाँ वो सब चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए उन महिलाओं के लिए, क्योंकि अस्पताल से लेकर वो गांव तक काफ़ी दूर पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उपकेंद्र बना दिया तो सिर्फ उसे बना दिया, उस पर एक मोहर लगा दी, उसे सक्रिय करना बहुत ज़रूरी है, तो वो नहीं है, किसी भी गांव में नहीं है। और अगर आंगनवाड़ी की बात की जाए तो? आंगनवाड़ी की अगर जो बात की जाए तो आंगनवाड़ी उपलब्ध है, लेकिन जो उनकी सहायिका है एक बार कहती है कि बच्चे आ जाएं, आए ना आए उनका मतलब, क्योंकि सहायिका इसलिए रखी जाती है कि उनकी खुद की जिम्मेदारी होती है कि वो गांव में जाए, बस्तियों में जाए और बच्चों को बुला करके लाए। सत्तू देना एक बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी शिक्षा करना, जो मान लिया गर्भवती महिला है पेट से शुरू हो जाता है वहाँ से आंगनबाड़ी में, उसका टीकाकरण है या कुछ भी है या फिर उसकी पढ़ाई है,
जीरो से लेके तीन साल तक के बच्चों की पढ़ाई उसी में तो होती है आंगनवाड़ी में, लेकिन उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। अगर आंगनवाड़ी में हम लोग भी जाके देखते हैं या महिलाओं से बात करते हैं, वो बोलती हैं कि सिर्फ आंगनवाड़ी आती हैं, आंगनवाड़ी जो आती हैं बैठती हैं और चली जाती हैं। अगर जो जाके पूछते हैं कहाँ हैं कि आज उसके जाड़ में दर्द है वो वहाँ गई है, आज उसके बच्चे की तबीयत खराब हो रही है वो वहाँ गई है। महीने में तीन बार सत्तू मिलता है, लेकिन वो सिर्फ महीने में एक ही पैकेट देती हैं, एक ही महीने में एक पैकेट। हालांकि सरकार की तरफ से कुछ ध्यान था, इसमें जोड़ूंगी कि जो गर्ल चाइल्ड है खास तौर पे उनके कुपोषण का जो सवाल है, जैसे माँ का एनेमिक होना, कम उम्र में विवाह होना, माँ का फिर एनेमिक होना, फिर उसके जो बच्ची पैदा होती है उसका एनेमिक होना, ये तीन पोजीशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा ऐसी हैं जिनके लिए कोई संवेदनशील नहीं है। क्योंकि वो लड़की कम उम्र में माँ बनी, वो खुद एनेमिक हो गई, फिर उसने बच्चा भी एक ऐसा पैदा किया जो खुद ही कुपोषित है, और फिर वो जब बच्चा कुपोषित है तो आप समझते हैं कि उसके लिए आंगनवाड़ी जो है उसमें वो सिस्टम होने के बाद भी उस तक वो सिस्टम नहीं जाता, ना तो उसका कुपोषण में जो उसकी पूरी देखरेख होनी चाहिए, उसका वजन होना चाहिए, उसको उस तरह का खाना मिलना चाहिए, वो देखरेख मिलनी चाहिए। तो आंगनवाड़ी का सक्रियकरण भी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो एक बहुत अहम मुद्दा गांव में है महिलाओं पर होने वाले हिंसा का, जिसमें कि वो घरेलू हिंसा का जब शिकार होती हैं, एक तो बाहर सड़क घर से बाहर वाली हिंसा है, हमें किसी ने सड़क में छेड़ दिया, चौराहे पर छेड़ दिया, तो हम चिल्ला पड़े या हम थाने आ गए या हमने अपनी बात कह दी, तो हमारा परिवार भी हमारे साथ आ जाता है हमारी उस फरियाद पे कि भाई इन्होंने हमारे से फरियाद की, हमें बाहर छेड़ा है, और समाज के कुछ लोग भी जुड़ जाते हैं। लेकिन जब घर के अंदर हिंसा होती है तो उसमें घर के लोग जब हिंसा करते हैं वो फरियाद कैसे सुने, हिंसा करने वाले वही हैं, तो उस समय फरियाद की कोई जगह नहीं होती। और ऐसी कोई जगह सरकार को बनानी चाहिए, जैसे पंचायत में ऐसा कुछ देना चाहिए कि वार्ड जहाँ जो जो वार्ड हैं गांव के वार्ड सदस्यों को जिम्मेदारी देनी चाहिए, या कुछ ऐसे ठिकाने महिलाओं के बनाने चाहिए कि जिस दिन उसकी मार पड़े कम से कम वो एक ठिकाने पे अपनी रात गुजारे, ताकि सुबह को थाने जाकर उसका डॉक्टरी मुआयना हो। ऐसी कोई जगह सरकार को गाँव के अंदर बनानी चाहिए। आज गाँव में सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा का शिकार औरतें हैं। शाम को उनके पति आने से पहले उनको ये डर हो जाता है कि जो खाना बनाए वो मेरे बच्चे खा पाएंगे या मैं खा पाऊंगी या नहीं, हो सकता है वो शराब का सेवन करके आए और सबको मारे, और ऐसा हो रहा है। और ऐसे में पुलिस कहती है कि मैडम आप कहीं रख लो, मैडम सोचती है कि अगर मैं रखूँ तो मैं इसको कहाँ रखूँ, मेरे पास कोई जगह नहीं है। तो इस तरह की औरतों का कोई ठिकाना होना चाहिए जो ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी में होना चाहिए, और उसको ये हर गांव में एक ठिकाना जरूर होना चाहिए, शेल्टर होम। घरेलू हिंसा के अलावा जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि घर के बाहर जो निकलते ही छेड़छाड़ के मामले भी होते हैं, तो उसका कितना बड़ा यहाँ पे दिक्कत है? अभी हमने वहाँ पे सर्वे किया है इन्हीं बात को लेकर, तो बाहर छेड़छाड़ के लिए उसमें लड़कियों ने बताया खुद कि हम यदि हम स्कूल में भी पढ़ने जाते हैं तो हमें लड़की इतना परेशान करते हैं कि उसकी वजह से हमें अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ती है। तो ऐसी हमारे इधर पुरकाजी गांव में सेनपुर में बहुत ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने छेड़छाड़ के कारण अपनी पढ़ाई भी छोड़ दिया। और इस पे घरेलू हिंसा पे मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ कि अभी जब हमने सर्वे किया तो कुछ महिलाओं ने, जो गैर दलित महिलाएं हैं, उन्होंने कहा कि जो दलित महिलाएँ हैं वे तो अपना दर्द किसी को बता भी देती हैं, लेकिन हमारे साथ अंदर ही अंदर इतनी हिंसा होती है कि हम किसी को बांट भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे ऊपर इतना दबाव है कि अपनी इज्जत घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। माँ बाप को कहते हैं, वे भी कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, किसी के आगे नहीं बताया करते अपनी घर की बात, ये नहीं करते, ससुराल में ये भी नहीं कर सकते कि हम अच्छा पहन सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं। मतलब दलित की महिलाएं तो अपनी पसंद से खा भी सकती हैं क्योंकि वे खुद कमाती हैं, और हम उन्हीं परिवार में दबके रह जाते हैं क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। अच्छा पहन तो सकते हैं क्योंकि वो उनकी इज्जत होती है, दिखावा के लिए वे हम अच्छा पहन आते हैं, ओढ़ पहनाते हैं, पर हमें पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिल पाती जो हमें मिलनी चाहिए। अब आप ये देखो कि दंगे के दौरान की जो महिलाएं हैं जिनके साथ बलात्कार हुए हैं, कितनी ज़्यादा महिलाओं के साथ हुए, उसमें से किसी ने, सात महिलाओं ने हिम्मत करी कि अपनी FIR दर्ज कराई, और उन सात में भी अब गवाही के लिए कोई भी महिला तैयार नहीं, क्योंकि उनकी सुरक्षा का बहुत बड़ा सवाल है, उनको कौन बचाएगा जब वो उन लोगों के खिलाफ गवाही देंगी जिन लोगों ने उनका रेप किया, उनको वो जानती हैं, जिसने रेप किया वो वहीं पड़ोस के लोग हैं, लेकिन जब वो न खुल के कोर्ट में गवाही देंगी, उनको पता है कि उनको कोर्ट से कोई निकलने भी नहीं देगा, वहीं पर मार दिया जाएगा। ये किसी अल्पसंख्यक की या किसी दलित की या किसी अन्य जाति की पैरवी की बात नहीं है, या फिर
ये महिलाओं की पैरवी की बात है कि महिलाओं को कम से कम उतनी सुरक्षा तो मिले कि वो अपना बयान ठीक से दर्ज करा दें। तो दंगों की जब बात की जाए तो हमने देखा है कि कई बार ऐसा होता है, जैसे 2013 के दंगों की भी बात की जाए तो दंगे शुरू होने से पहले, दंगे भड़कने से पहले एक तरह का मान लीजिए एक पैटर्न हो जाता है कि उस समुदाय के लड़कों ने उस समुदाय की लड़की को छेड़ा, वहाँ से फिर आग फैल जाती है। तो कभी कहते हैं कि हिंदू समुदाय के लड़के ने मुस्लिम समुदाय की लड़की को छेड़ा या मुस्लिम समुदाय के लड़के ने हिंदू समुदाय की लड़की को छेड़ा। महिलाएं होने के नाते क्या आपको लगता है कि इस तरह की उस समय चुनाव के आसपास इस तरह की बातें होती हैं, या फिर चुनाव आ रहे हैं उस वजह से किसी तरह का राजनीतिक चीज़ खेलने के लिए ये अफवाहें उड़ा दी जाती हैं? महिलाओं के साथ छेड़खानी तो चाहे चुनाव है या नहीं है लगातार है, लेकिन 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 इसलिए कहूँगी बीच में, लेकिन चुनावी रंग को कैसे बढ़ाना है, हमेशा दंगा छेड़खानी से ही भड़काया जाता है, क्योंकि लड़की को परिवार की इज्जत के साथ जोड़ के उससे क्या होता है, नौजवान भड़क जाता है और मरने मारने के लिए तैयार हो जाता है। मैं वही पूछ रही हूँ कि ये जो छेड़खानी है ये असल में होती है, इसका कोई एविडेंस निकलता है, या फिर कई बार लगता है कि अफवाह उड़ा दी गई है ताकि यही जैसे आपने चुनावी रंग बोला, ताकि किसी तरह से दंगा भड़क जाए या किसी तरह चुनाव आ रहे हैं उस तरफ इधर उधर। आपकी मोटरसाइकिल मेरी मोटरसाइकिल से टकरा गई, आपने स्कूल की साइकिल ले रखी, मैं लड़का हूँ, मेरे पास मोटरसाइकिल है, आमने सामने हो गए, तो ये एक एक्सीडेंट है, ना कि मैं आपको छेड़ रहा हूँ। या आप अपने पति की मोटरसाइकिल में हैं, मेरी पत्नी भी मेरे पीछे है, और वो मैं मुसलमान हूँ, मैंने टोपी लगाई, या तुम हिंदू हो, तुमने अपना अपनी वेशभूषा साड़ी पहन रखी है, और मोटरसाइकिल आमने सामने हैंडल टच होकर निकल गया, पकड़ो साले मुल्ला को, मारो साले को, ये साला हमारी दी बेटी के टक्कर मार के जा रहा है, उसको कोई एक्सीडेंट नहीं रहने देता, उसको छेड़खानी में तब्दील कर देते हैं। जबकि ऐसे किस्से चौराहों पे सड़कों पे आम होते हैं, मुल्ला की मुल्ला से भी टकराती है, खून खराब है, फट जाते हैं सिर, जाट की जाट से भी टकराती है, ब्राह्मण की दलित से भी टकराती है मोटरसाइकिल छेड़। ये तो गाड़ी जब हम रोड पे लेके निकले ना जाने किसकी किससे टकरा जाए, लेकिन उसको इशू बनाना और उस पर झगड़ा करना ये एक बहुत बड़ी बात है, और लोग ऐसा ही कर रहे हैं। और काश कोई सच्चा एक ऐसा किस्सा किसी को मिल जाए जो लड़की की अपनी यौनिकता का सवाल है या अपनी अपनी पसंद का सवाल है, और उसने किसी लड़के के साथ प्यार में उसको पाया गया, या ऐसे कुछ चिन्ह मिल गए कि हाँ ये, और वो लड़का काश कहीं लड़की ऊंची बिरादरी की है और लड़का कहीं दलित है, तो 100% के वो लड़का मारा जाएगा, मारा जाएगा। और अगर वो मुस्लिम है तो कम से कम भी 2 जिलों में कर्फ्यू लगेगा, ठीक है ना, और अगर वो उनकी बिरादरी का है तो शायद दोनों पार्टी बैठ कर कुछ समझौता कर लें, उसमें भी अगर कोई जो खाप होती है, कोई ऊंची खाप और नीची खाप का है, तो भी मुझ का सवाल बन जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है, पिछले अभी हम लोग कम से कम 2-3 सरकारें तो हम लोगों ने देखी होगी बदलती हुई, तो किस सरकार ने आपको लगता है महिलाओं के लिए, महिलाओं के संदर्भ में ज़्यादा काम किया है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर छेड़छाड़ या रेप की बात करें तो मायावती जी जिस टाइम इलेक्शनों में खड़ी हुई थी तो उस वक्त रेप बहुत कम हुए, लेकिन ये वाली चीज़ मुझे मायावती की उसमें बहुत अच्छी रही कि कम से कम एक तो छेड़छाड़ बंद हुई महिलाओं के लिए, दूसरा रेप कम हुए, तो मुझे उनकी राजनीति ये सबसे अच्छी लगी है इस तरीके से। कम से कम हम महिलाओं का, अगर जो वह औरत है तो वो औरत के बारे में कुछ तो समझ रही है, बाकी सब भी नहीं। मैं एक चीज़ जोड़ूंगी रानी की बात से, मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि रेप कम हुए हैं उनके ज़माने में, लेकिन ये ज़रूर है कि उनके ज़माने में रेप दर्ज नहीं हुए। दूसरी बात मैं ये कहूँगी, हाँ क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरह की चीज़ें लगाई कि पहले फैक्ट फाइंडिंग करो मामला झूठा है या सच्चा, क्योंकि लोग बलात्कार का यूज़ बदला लेने में भी कर रहे हैं, तो जो केस सही पाया गया वो दर्ज हुआ। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि हम महिलाओं को एक ये तो कहीं ना कहीं अंदर से लगता है दम कि एक औरत मुख्यमंत्री है, दूसरी बात हमें ये लगता है कि वो प्रशासन पे बहुत चुस्त और दुरुस्त रहती है, प्रशासन चूचा नहीं करता, थोड़ा ये जो गुंडागर्दी जो सड़कों पे दिखाई देती है ये दिखाई नहीं देती है ना,
और रही गुंडागर्दी और छेड़छाड़ की बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है, कहीं पढ़ा है कि यादों की सत्ता में ज्यादा होता है छेड़छाड़, गुंडागर्दी, सड़क पे इस तरह से दबंग बन के घूमना, क्या ये सच है? यादवों के राज में, क्या यादवों के राज में तो होता ही है, लेकिन क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बैठे हैं बीजेपी वाले उनके राज में क्या कुछ कम होता है? कुछ कम होता है क्या? अगर यूपी के संदर्भ में बात की जाए, यूपी के संदर्भ में तो अभी बीजेपी की शक्ल नहीं देखी है, लेकिन अभी आने से पहले ही बहुत कुछ हो रहा है। एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें घुटन महसूस हो रही है। अच्छा, एक और जो बात है, जो महिला सामख्या की बात है, जो एक संगठन खुले थे, एक संस्थान खुले थे बहुत साल पहले, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या काम हुआ करता था और अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा दी है, तो उससे महिलाओं की क्या दिक्कतें बढ़ी हैं? देखिए, महिला सामख्या की मैं खुद प्रोडक्ट बैठी हूँ आपके सामने। मेरे ख्याल से ये दोनों लड़कियाँ भी महिला सामख्या में पहले काम कर चुकी हैं, और महिला सामख्या जो है एक ऐसी परियोजना थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की, महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा, उसका जो पूरा एजेंडा था वो था महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा, यानी कि महिलाओं को समानता में लाने के लिए एक शिक्षा का की परियोजना, और वो इतनी अच्छी परियोजना थी। उस दौरान की सन 89 से जो महिलाएं निकली थी बाहर, और अभी इस पिछले 2006 और 7 तक 8 तक इतनी ज़बरदस्त बैच दिए हैं महिला समाख्या ने, और ये वो औरतें थी जो घूंघट में पर्दे में कैद थी, जिनके ऊपर हिंसा होती थी, जो हिंसा का शिकार थी, और जिन्होंने सिर्फ उसकी प्राइमरी समझ के उस पर ट्रेनिंग करके उस तरह की जो सहज सामग्री होती है उनसे पोस्टर, चार्ट, फिल्में इनसे सीखा, उस तरह के गीत गाए, और एक ऐसा माहौल हमारे यूपी में बना। महिला समाख्या से इतनी सारी लड़कियां निकल के आई कि उन्होंने हाहाकार मचा दिया। उसमें बहुत सारी महिलाएं प्रधान बनी, बहुत सी वार्ड सदस्य बनी, बहुत सी लड़कियां पढ़ के आके नौकरी में गई, बहुत सी शिक्षा विभाग में ही चली गई, और बहुत सारी लड़कियों ने राजनीति में भी अपने को अपनी आजमाइश ली। तो ये जब, और जो इसका सबसे बड़ा जो जिसके लिए इसको भाजपा सरकार ने बंद किया है, वो चोट ये है कि ये वो नारीवादी महिलाएं निकली, वो फेमिनिस्ट महिलाएं निकली, जिन्होंने पितृसत्ता से लड़ने की जो चुनौती थी उस चुनौती को लिया और उससे एक संघर्ष किया और लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने समाज में बता दिया कि हमारा पुरुषों से कतई कोई बैर नहीं है, हमारा बैर उस व्यवस्था से है जहां हमें गैर बराबरी दी जाती है। इसलिए समाख्या पर रोक लगाई कि ये चालाक, होशियार और मजबूत महिलाओं का निर्माण हो रहा है, इसको रोका जाए, और यहाँ हमें संस्कारी महिलाओं के नाम पे, जो संस्कारी महिलाएं चाहते हैं जिनमें पेट तक घूंघट हो, हाथ में इतनी चूड़ियाँ हो, और वो धीमे धीमे चलती हो, और वो उस धर्म में और उसमें ज़्यादा विश्वास रखती हो, वो मानव धर्म में कम विश्वास रखती हो, वो व्यवस्था को चैलेंज करने वाली ना हो, इस तरह की महिलाओं की उनको ज़्यादा ज़रूरत है, जो आँख बंद करके उन पर वोट के उनके चुनाव चिन्ह पर निशान लगाएं। और महिला समाख्या ने वो लड़कियाँ दी हैं, वो औरतें दी हैं जो दूध का दूध और पानी का पानी छान सकती हैं, और उस इसीलिए उनका डर हुआ कि जब दिल्ली में आपकी सरकार बन सकती है संगठन से, तो महिला समाख्या ना जाने कितनी सरकारें पैदा कर देगी, इसलिए उन्होंने इसका बजट रोक दिया है। तो अभी हमने बहुत सारे मुद्दों की बात की, पढ़ाई लिखाई की बात की, रोजगारी की बात की, सुरक्षा की बात की, तो कई बार ऐसा भी होता है, अभी हम लोग बहुत सारे समुदाय के लोग बैठे हैं, तो हम में से हिंदू ब्राह्मण भी हैं, दलित भी हैं, मुस्लिम भी हैं, पर जब महिलाओं की दिक्कतों की बात आती है तो क्या सभी हम ये कह सकते हैं कि सभी महिलाओं की जो दिक्कतें हैं वो एक समान जैसी हैं, या फिर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि किसी एक समुदाय की महिलाओं की दिक्कतें किसी और दूसरे समुदाय की दिक्कतों से ज़्यादा हैं? जैसे मैं फील्ड में काम करती हूँ, मेरे ख्याल से मैं बोलती हूँ कि आप लड़कों को तो कॉलेज भेजते हो कि लड़कियों को क्यों नहीं भेजते हो, तो बोलते हैं कि माहौल ख़राब है। ये तो एक मुस्लिम महिला का शोषण हुआ ना, कि ज़्यादातर मुस्लिम ही महिलाएं, अब महिलाएं एक माँ ही अपनी बेटी को ये बोलती है बाल मोल ख़राब है, आप मत जाओ, ये हमें आपकी चिंता रहती है, इसीलिए अच्छा है आपने जितना पढ़ा वो आपके मतलब लायक है, आप घर रहो, बैठो, अपना काम करो, वो ठीक है। मेरी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कुल मैं 8-9 लड़कियों का एडमिशन करवा पाई हूँ, लेकिन महिलाएं नहीं समझती तो कैसे फिर? हाँ, पर ये खाली मुस्लिम समुदाय की बात तो नहीं है, सभी की बातें हैं, यहाँ तक तो नौकरियाँ भी छूट जाती है,
अगर किसी लड़के ने हमें छेड़ दिया और हम घर जाके कहना कि फला लड़के ने हमें छेड़ दिया है, भले ही हम उस लड़के को कुछ ना कह के, लेकिन अगर घर आके बोल देते हैं तो नौकरी भी छूट जाती है, 15-15 दिन तक घर में रहना पड़ जाता है। और यहाँ तक ऐसा भी होता है अगर बड़ी लड़की को किसी लड़के ने छेड़ दिया तो छोटी लड़की की उसके साथ शादी करवा देते हैं कि जब बड़ी की कर रहे हैं तो इसको भी साथ में टला दीजिए। ऐसा केस पता नहीं कितने होते हैं। तो महिला पेंशन एक योजना की बात हो रही थी, ये कब से शुरू हुआ और क्या सब महिलाओं को वो पेंशन मिला जाता? मायावती जो मतलब इंदिरा गांधी योजना से स्टार्ट हुआ था कि इंदिरा गांधी मतलब पेंशन मिलती थी, उसके बाद महामाया पेंशन में परिवर्तित हो गई। अभी मतलब जो ये इंदिरा गांधी थी ये सिर्फ बुढ़ापे के लिए थी, जिस जो मतलब 60 साल से ऊपर हो गया उसको पेंशन मिलती थी। उसके बाद विधवा पेंशन बन गई, विधवा पेंशन उनको मिलती थी जो मतलब 60 से कम उम्र की होते हैं, 60 से ज़्यादा होते हैं उसको 35 से ज़्यादा नहीं होती उसको विधवा पेंशन। पर क्या सब महिलाओं के पास ये पेंशन पहुंच पा रहा है? मतलब ये पहुंचता तो है लेकिन टुकड़ों में। अच्छा, मतलब जैसे एक महीने में ना मिली, उससे 3 महीने बाद मतलब उसका खाता आ रहा है उसको तब मिली, तो बहुत मतलब सारी दिक्कतें हैं उससे। मतलब महिलाएं विभागों में आती है, बहुत मतलब बुरी स्थिति है। कहने का मतलब ये है कि उनकी इतनी बदतर स्थिति है, ये उन्हीं के लिए, जिन लड़कों को भी जिन बूढ़ों को भी मतलब पेंशन मिल रही है उनकी भी यही दिक्कत है, उनको भी लता दिया जाता है। जी हाँ, पेंशन को लेकर जो बोल रहे हैं कि 3-3 महीने में ऐसे कि कितनी और थे हमारे यहाँ पे भी 3 महीने में 4 महीने पेंशन आते, कुछ के फॉर्म भरवाते उन्होंने दलाल बोले कि 1,000 रुपये दे तो हम तुम्हारी पेंशन बनाएंगे। एक साल होगा उनको अब तक का पेंशन नहीं, तहसील के कोर्ट कर जगह के चक्कर काट लिए। अब विधवा है और एक का बच्चा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर पर रहने वाला खाना भी नहीं है उसके पास, कि बोलते हैं पेंशन हो जाएगा इतने पैसे दो, कुछ भी नहीं मिल रहा उनको। ये सब सरकार बीच में जो भी दलाल है वो खा रहे हैं, बीच में कुछ नहीं दे रहा। आधार कार्ड हो कर दिया किसी महिला को, ये भी नहीं पता कि इसमें आधार चाहिए या नहीं चाहिए। अगर कहीं से उसे जानकारी मिले कि हाँ इसमें आधार, तब उसका बेचारी का आधार कार्ड बनेगा, तब उसे पता चलेगा, वो जमा 10 बार से जमा करने के लिए जाएगी तब वो होगा, फिर वो मतलब सूचना नहीं पहुंच पा रही है। आधार कार्ड बोलेंगे फिर बोलेंगे आए जाते लाओ, फिर अपना वृद्धा पेंशन का वो लाओ प्रमाणित का, आप इतने साल की होगी या नहीं होगी, उम्र कम है, या फिर जो जिसके हस्बैंड नहीं है उनका डेथ सर्टिफिकेट टिकट लाओ। एक बार नहीं बताते कि ये सब डॉक्यूमेंट्स लगे, एक बार बताते हैं, चक्कर कटाते हैं मेरे लोग, ये लाना वो लाना। अच्छा एक सवाल जो आपका जो सवाल था वो थोड़ा सा योजना में चला गया, लेकिन उस सवाल का जवाब मैं जरूर देना चाहूँगी कि महिलाएं सबकी एक जैसी समस्या है या कुछ की कुछ खास समस्या है, तो मैं इसमें कहना चाहूँगी बहुत सारी समस्याएं तो हम सारी औरतों की एक ही जैसी हैं, लेकिन कुछ समस्याओं में हम लोगों को एक अलग नज़रिए से कुछ विशेष महिलाओं को देखना होगा, जिसमें दलित और मुस्लिम, क्योंकि एक तो हम मुस्लिम, ऊपर से हम गरीब, ऊपर से हम धर्म के शिकंजे में इस कदर जकड़े हुए हैं कि हमारे पर धर्म बहुत ज़्यादा हावी किया हुआ है। जो अभी बात उन्होंने कही, आपने भी कही, वो बात फील्ड में जाके बिल्कुल साफ दिखाई देती है। जब हम लोग जाते हैं, एक मुसलमान का परिवार, उसके घर नहाने को नहीं है, खाने को नहीं है, वहीं बकरी है, वहीं मुर्गी है, वहीं चूल्हा है, वहीं सोना है, वहीं घोड़ा बंधा है, ये स्थिति आप अधिकांश परिवारों में देखेंगे। उनसे पूछो कि ये तेरे जब 5-6 बच्चे हैं इनको स्कूल क्यों नहीं भेजा, तुम्हारी लड़की 12-13 साल की अभी तक स्कूल नहीं गई, तो उनका एक ही सवाल है कि जी हम स्कूल भेज के क्या करेंगे, हमारी तो कुरान पढ़ गई, हमारी तो बस रिसाला पढ़ गई, यही बहुत है, यही तो पढ़ाई है, और हमें क्या करेंगे, लड़का हमारा जो है मजदूरी पे जाता है, और ऊपर से जित उसी धर्म की जो बड़े परिवार की यानी कि पैसे वाले परिवार की जो महिला है वो लिपस्टिक भी लगाएगी, वो नेल पॉलिश भी लगाएगी, वो स्लैक्स भी पहनेगी, हो सकता है वो जीन्स भी पहन ले, उसको कोई एतराज़ नहीं करेगा, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है अगर उसने जरा सा भी कुछ पहन लिया या ओढ़ लिया तो जितने तमाम मसले हैं वो सब उस पर ले आएंगे, अरे तू कितनी गुनाहगार है, तूने तो रेड रंग की लिपस्टिक लगा ली, तूने नेल पॉलिश लगा ली। तो ये जो धर्म ने जो औरत को दबाया है वो कुछ धर्मों में कुछ खास ज़्यादा दबाया। दलित औरतों के बारे में ये कहूँगी मैं कि दलित औरतें कहीं ना कहीं अपने बच्चों को स्कूल भेज रही हैं, चाहे वो किस हाल में भी हैं, वो स्कूल तक बच्चों को भेज दिए, लेकिन दलित औरतों का जो शोषण है वो छुआछूत में, खेत में काम करने जा रही हैं वहाँ पर उनको दबोच लेना, उनके साथ जुल्म अत्याचार, उनकी 2 कौड़ी की औकात ना समझना कि तू है तो दलित, तू क्या है, तेरी औकात क्या है,
तो दलित और मुस्लिम महिलाओं पर ज्यादा शोषण है और ज्यादा अत्याचार। तो आपने अभी शारीरिक शोषण की भी बात की कि खेत में जाती हैं, तो आप लोग भी बता सकती हैं इस बारे में, क्या दलित महिलाओं के साथ ये इस तरह की चीजें ज्यादा होती हैं? जैसे दलित महिलाएं गैर दलितों के यहाँ पर मजदूरी करना जाती हैं, तो उनके जो पुरुष होते हैं उनकी लड़कियों को भी गंदी नज़र से देखते हैं, कभी हाथ लगाना, कभी कुछ ना। यदि वे अगर जो कुछ बोलती हैं तो उनकी फिर मजदूरी के पैसा भी नहीं देना, तो उनके साथ में कितनी तरह की, एक तो छुआछूत के तो दलित हैं, क्या कर लेंगे, हमारा पैसा तो इनके पास है ही नहीं, चाहे इनके साथ में कुछ भी करो। तो वे भी डर की वजह से कि हमारी इतनी पावर नहीं है, पैसा हमारे पास नहीं है, तो हम कहाँ किसको अपनी बात बताएं? यदि बात बताएंगे तो हमारे परिवार के सदस्यों को मार डालेंगे या हमारे मार डालेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर वे जाके बताएंगे इस बात को कि हाँ वो तो मेरे साथ ऐसा है, तो उसे अगले दिन की मजदूरी नहीं मिलेगी, या फिर उसे जो उसका पतिवती भी काम कर रहा है उसे काम से भी हटा देंगे। आखिरी सवाल मेरा यही है, मैं ये नहीं पूछूंगी आप लोग किसको वोट डाल रहे हैं किसको नहीं, लेकिन अगर पश्चिम यूपी की बात की जाए, और पिछली बार देखा गया पिछले विधानसभा चुनाव में शायद 23-24% महिलाएं आई थी वोट करने, क्या इस बार लग रहा है महिलाएं ज्यादा आएंगी और किस तरफ ज्यादा झुकाव होगा? इस बार क्या अंतर है, इस बार क्यों महिलाएं खूब वोट करेंगे? ये जो दंगा खेला दंगे के बाद, दंगे की वजह से ऐसा हुआ है, दंगे की वजह से तो कोई तो बाहर भी नहीं निकलेगी। नहीं ऐसा नहीं। क्यों? देख बेटा, ऐसा है, देखो मैं अपने तजुर्बे से बोल रही हूँ, आप अपने अनुभव से बोल सकती हैं। मेरा मानना यह है कि औरतों ने ये कहा है मुझसे, मैं फील्ड में जाती हूँ, कि देखो हम डंडे से नहीं लड़ सकते, हम लाठी से नहीं लड़ सकते, हम किसी से गाली नहीं दे सकते, ये हमारे पास एक मौका है, इस मौके को हम चुकेंगे नहीं, हम अपना वोट जरूर करेंगे। जिनके पास वो नहीं है, पहचान पत्र नहीं है, वो तड़पती फिर रही है कि किसी तरह कहीं से हमारा बन जाए, लेकिन हम अपना वोट नहीं छोड़ेंगे। देखो एक सोचने की बात, और ऐसा नहीं मैं दलित और मुस्लिम से हटके भी बोल रही हूँ, गैर दलित भी ज्यादा से ज्यादा मत डालने के उसमें है, सोच रही है कि ज्यादा से ज्यादा हम अब की बार वोट करें। और भैया देखो हम मुस्लिम महिलाओं का तो एक फार्मूला है अब की बार, चाहे वो किसी को भाए ना भाए, जो बीजेपी को हराए उसको वोट दो। या माँ को बता दिया भाई वहाँ, उन्हें तो ये नहीं पता कि वोट गए नहीं वहाँ, क्या वो वोट वो भेज दिए, पहचान पत्र बन रहा, सब कुछ बन रहा, इस निशान के पीछे कौन चेहरा क्या है क्या कर रहा, जो हमारे घर में आके ये नहीं देखता कि हमारे बच्चे भूखे हैं, हम उनको वोट क्यों दे? एक बार तो जो गरीब महिलाएं हैं वे तो पूछती हैं, वो पता पहले कौन सी की जिनने हमारे हमारा काम करवाया उसको देंगे हम तो वोट। अच्छा काम की बात की जाए अगर, की जैसे वो भी बोले की वोट क्यों दे की काम ही नहीं हो रहा, तो इस बार इस चुनाव में अपने जो आपके लीडर्स हैं आपके नेता हैं उनसे क्या क्या, महिलाओं होने के नाते क्या क्या उम्मीदें हैं कि वो क्या क्या काम करें? सबसे बड़ी डिमांड तो यही है कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है, वो मिलनी चाहिए, महिला सुरक्षा तो फिर तो रोजगार भी अपना आप ले लेंगी, वे सारे काम अपना आप ले लेंगी, पहले तो जब खुद की सुरक्षा नहीं होने की तो क्या कर लेंगे? कानून व्यवस्था में क्या बोल रहे हैं मैम, कानून व्यवस्था कड़ी होनी चाहिए महिलाओं के लिए, और ऐसा ना हो कि महिला किसी केस को लेके थाने में जा रही है और उसे कुत्ते की तरह धुतकार रहे हैं, उसकी बात भी नहीं सुनते। ये सरकारी अधिकारी किस लिए बैठे हैं? क्या हम महिलाएं इतनी बुरी हैं? क्या हमारा कोई वजूद नहीं है? या अगर जो परिवार की बात करें तो हम इज्जत सिर्फ एक औरत से ही इज्जत होती है क्या, क्यों उन मर्दों से नहीं इज्जत होती? अभी जैसे मेरी बहन ने बोला था कि लड़का और लड़की को बराबर समझा जाए, कहीं अलग ना समझा जाए, तो अगर एक लड़की ये बोले कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ क्या समाज उस चीज़ को मानेगा? उनकी बात पे ज़्यादा। और एक लड़का का जो कहे मुझे वो लड़की बहुत पसंद है मैं मानती हूँ, उसकी माँ भी कहेगी हाँ बेटा बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ये तो कहाँ हम महिलाएं हैं, हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है। और जमीन से देखे, कुल मिला के बात यह है कि धर्मवाद की राह पे तो हम वापस जाएंगे नहीं, जाए बराबरी के अधिकार, जो बराबरी का अधिकार है वही हमारी राह है, पिंजरों में वापस नहीं जाएंगे, ये एक बात है। पितृसत्ता का जो स्ट्रक्चर है उसमें वापस नहीं जाएंगे, ठीक है। हमारी लैंगिकता का जो सवाल है, जो भी हमारी यौनिकता का सवाल है, जिस पर हमारी बंदिश है, वो हमारी राह नहीं, इस पर हम वापस नहीं जाएंगे, और सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए लड़ेंगे,
और अपनी आज़ादी का जब हम सवाल उठाएंगे तो हमें सुरक्षा भी, सुरक्षा के लिए उस हद तक लड़ेंगे जब तक हम सुरक्षा देने वालों को मजबूर ना कर दें कि वो ये कहे कि हाँ हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। इसलिए हम समाज में जो नेता हैं, देखिए नेता एक ऐसी चीज़ है, ऐसी कॉपी है नेता की कि उन पर विश्वास करना बहुत हुआ, लेकिन हम समाज के आम आदमी पर विश्वास कर सकते हैं। हम निक्की पर विश्वास कर सकते हैं, हम आप पर विश्वास कर सकते हैं, हम नकुल पर विश्वास कर सकते हैं। हम आपस में तो संवेदनशील हों, तो सबसे पहले समाज में संवेदनशीलता को लाना अब बहुत ज़रूरी है। और जो नेता हमारे इस काम में हमारा सहयोग करेगा वो हमारा नेता होगा। जो हम महिलाओं को सुरक्षा देगा वो हमारा नेता होगा। जो हमें बराबरी का अधिकार दिलाएगा वो हमारा नेता होगा। जो हमारी लड़कियों के लिए शिक्षा मुफ्त करेगा वो हमारा नेता होगा। जो हम लोगों को आवास देगा वो हमारा नेता होगा, वरना हमारा कोई नेता नहीं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत सारे मुद्दों के बारे में बात की, और आशा करते हैं ये चुनाव के बाद ये मुद्दे उठाए भी जाए और उन पर काम भी काफ़ी किया जाए। शुक्रिया।